महिला दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम यहाँ बैठी हमारी सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ और इस शानदार आयोजन के लिए इंडिया टुडे और उनके सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम को और उनके सभी सपोर्टर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वुमेन जो इस कार्यक्रम का नाम है, ये अपने आप में कार्यक्रम के लिए बहुत ही शानदार है। हमें बहुत और किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है, जो हम हैं वो हम हैं। मुझे जब इस कार्यक्रम के लिए कहा गया था कि आपको उद्घाटन भाषण देना है, तो मैंने पूछा था कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपसे कहा गया है। मैं इन शॉर्ट अपने यदि स्ट्रगल की बात कहूँ तो सिंपल एक वर्किंग ऑफिसर फैमिली से एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैं हाउसवाइफ बनकर बड़ी खुश थी, बेटा भी हो गया था, पर संयोग ऐसे बने कि पढ़ाई मुझे उसके बाद कंटिन्यू करनी पड़ी। वकालत मैंने पूरी की और उसके बाद वकालत में आई तो मेरे ख़ानदान से मैं पहली महिला थी, जो महिला क्या पुरुष भी कोई वकील नहीं था, इस पेशे में मैं पहली थी। और इस पेशे में आने के कारण मेरी पहचान सोशल अवेयरनेस कार्यक्रमों से हुई, हमारे सामाजिक कार्यक्रमों से, और उस कार्यक्रम से जो मुझे पहचान मिली, उस पहचान की वजह से राजनीति में मेरी एंट्री हुई 98 में। इस बीच में बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स और सब में मैं गई हूँ, पर हर जगह मुझे जो लगता है कि हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो महिला अधिकार के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस होता है कि हमको लगता है कि कोई महिला को यदि हमने अधिकार की बात कर दी तो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म, वो महिला आगे निपट लेगी। परंतु मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थमाते हैं जो बंदर के हाथ में उस तरह थमाने के जैसा होता है। मैं इसको कुछ छोटी छोटी अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस हैं उन स्टोरीज़ के माध्यम से आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बहुत पाबंदी है, बहुत लंबा बोलने के लिए बहुत अनलिमिटेड स्कोप है, पर छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि मैंने लॉ में PhD भी किया है मास्टर ऑफ लॉ के बाद में, और मेरा रिसर्च टॉपिक रहा है दहेज प्रताड़ना से संबंधित कानूनों का समालोचनात्मक अध्ययन। अक्सर ये होता है कि हम महिलाओं को जब अधिकार की बात कह देते हैं तो महिला यदि थाने पहुंच जाती है तो वो सोचती है कि मैंने बहुत अच्छा किया। तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पूरे रिसर्च टॉपिक के लिए वो स्टोरी बहुत ही अपीलिंग थी और मेरे रिसर्च का बेस वहीं से जनरेट हुआ है। मैं वकालत करती थी, एक लड़की आई मेरे पास और उन दिनों में देशबंधु में एक कानूनी सलाह का कॉलम लिखा करती थी, निःशुल्क सलाह दिया करती थी प्रश्न का उत्तर पे। वो एक सिंधी लड़की थी, 11वीं तक की पढ़ी थी, उसके 2 बच्चे थे और अपने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ उसने थाने में FIR करा दी थी, ये उसकी गलती थी, जिसका रेमेडी लेने के लिए वो मेरे पास आई थी। तो जब उसने स्टोरी बताई तो उसके पति और वो उसकी एक ननंद, 2 भाई बहन थे, उसके पति के पिता जो थे ससुर जी वो मेंटली रिटार्डेड थे और सास बट नेचुरल जो घर की महिला है वो डोमिनेटिंग थी, जिसने पाल पोस के बच्चों को पढ़ाया था। तो बेटा अपनी माँ की सुनता था, इसके 2 बच्चे थे, परंतु गाहे बगाहे यदि माँ कह देती थी तो बेटा कभी कभी वाइफ को रात को घर से बाहर निकाल दिया करता था, पर उसके बाद भी वो कहती थी कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। तो कुछ लोगों ने उसे गलत सलाह दिया कि तेरी सास को यदि ठीक करना है तो चल तू हमारे साथ पुलिस थाने। यहाँ से उसकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और जब वो थाने गई तो इतनी इनोसेंट थी कि उसको नहीं मालूम था कि वो क्या लिखवा रही है या क्या लिखवाया जा रहा है, क्या उसने हस्ताक्षर किया। उसने हस्ताक्षर किया और वो बोली कि मुझे घर जाना है, खाना बनाना है, तो बोला कि नहीं, अब तुम घर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी FIR दर्ज हो गई है तुम्हारे पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ। तो बोली मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बच्चे दिला दो। तो जैसे तैसे उसे बच्चे दिलाए गए और वो लड़की यहाँ रायपुर आ गई। उसके पीठ पीछे हुआ ये कि उसके सास को तो तुरंत अरेस्ट कर लिया, पति फरार हो गया, 16 साल की जो लड़की थी वो शॉक में आकर के फांसी लगा के सुसाइड कर ली।
अब ऐसी स्थिति में वो लड़की चाहती थी मेरे पास आकर के कि मुझे मेरे हस्बैंड से कॉम्प्रोमाइज़ करा दो, मुझे हस्बैंड के पास जाना है। और ये बात थी लगभग 94 के आसपास की, और उस समय हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मैं उसकी कोई मदद कर पाती या उसके हस्बैंड को फोर्सफुली कहती कि इस लड़की को रख लो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी स्टोरी लिखती हूँ और क्या ओपिनियन आती है। तो 2 हफ्ते तक लगातार उसकी स्टोरी पर लोगों के रिप्लाई आते रहे, किसी ने उसको लानत मलामत की कि ऐसा क्यों किया, किसी ने कहा बहुत अच्छा किया, परंतु उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। उसके बाद वो लड़की दोबारा मेरे पास आई भी नहीं। पर ये पॉइंट ऐसा था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि जब हम कानूनों का उपयोग करते हैं या कहें हम दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान किसे होता है। मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि यदि कोई लड़की इस तरीके से बिना किसी परेशानी के थाने पहुंच जाती है तो उसको कम से कम 4 मामले और नहीं तो 5 मामलों से गुजरना पड़ता है। पहला तो वो लड़की जो जाती है 498A दर्ज कराने के लिए, फिर वो धारा 24 का मामला लेकर के जाती है, फिर धारा 125 का मामला लेकर जाती है, फिर डिवोर्स का मामला लेकर के जाती है। बच्चे हो गए तो गार्जियन एंड वार्डशिप के मामले लेकर के जाती है, और प्रॉपर्टी का कहीं मामला हो गया तो प्रॉपर्टी के मामले के लिए, कुल मिला के 5 से 6 मामले उसको लाइफ में आ जाते हैं। और हमारा समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज है, और ये समाज किसी भी महिला को शादी होने तक के तो माँ बाप पूरी आँखों का तारा रहती है बेटी पर, शादी के बाद ये सीख दी जाती है कि बेटी तेरी अर्थी वहीं से निकलनी चाहिए। और यदि कोई लड़की रिपोर्ट लिखा करके वापस मायके आती है जो कि सेल्फ सस्टेन नहीं है, अपने पाँव पर खड़ी नहीं है, अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की स्थिति में नहीं है, तो वो कहीं की नहीं रह जाती, क्योंकि घर में यदि पिता हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, तो उसके कितने मामले मुकदमों का खर्चा वो वहन करेंगे। तो ये इसका यदि मैं पूरे अपने PhD थीसिस का सार कहूँ तो मैंने ये पाया है अपने हजारों केसेस में कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटता खरबूजा ही है। कुल मिलाकर के एक महिला ही हर तरफ से सफ़र करती थी, करती है और करती रहेगी, क्योंकि हमको जिस समाज में रहना है, यदि आज कोई एक अकेली महिला है तो हम कोई पुरुष बोलने नहीं जाता है कि वो महिला अकेली क्यों है, पर बोलने वाली हम महिलाएँ ही होती हैं। तो कहावत भी है कि महिला महिला की दुश्मन होती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ है, क्योंकि ये हमारे जो इनबिल्ट गुण और हॉबीज़ और दुर्गुण कहा जाए वो यही चीज़ है। तो इनसे ऊपर आने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर हम पढ़ाने के साथ हम उनको क्या संस्कार दे रहे हैं? इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं कि आज हम कितना भी लड़की को पढ़ा दें परंतु यदि उसकी मैरिज का टाइम आता है तो हम वहाँ पर बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, बहुत ट्रेडिशनल हो जाते हैं। आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को फ़ोटो दिखा दी जाती है या मिलने का मौका भी दे दिया जाता है, और जब शादी हो जाती है उसके बाद उस लड़की को इतना पावर दे दिया जाता है कि वो 2 दिन के बाद जब ससुराल आती है तो अपने इन लॉज को क्रिटिसाइज़ करने का और उसको हवा देने का काम भी हम लोग ही करते हैं कि ठीक से तेरा साथ व्यवहार किया कि नहीं किया, तूने अपनी ज्वेलरीज बराबर रखी कि नहीं रखी है, उनके हाथ में मत देना, वगैरह वगैरह। इसके साथ हम उनके माइंड्स में क्या डालते हैं? हम माइंड्स में यही डालते हैं कि आपको अपना रास्ता अलग करना है। हम समाज में मिलाने वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज सोलो फैमिलीज हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज से बेहतर पहले थे। हमारा जो समाज है हमेशा से मात्र सत्तात्मक ही समाज रहा है। पुरातन काल से यदि आप लेकर के आएंगे तो आप किसी भी माइथोलॉजिकल को देख लीजिए, किसी भी धर्म का देख लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म का देख लीजिए, चाहे मुस्लिम धर्म का देख लीजिए, वहाँ पर महिला ही देवी के रूप में दिखेंगी। और उनका हमारे धर्मों में भी है कि किसी भी युद्ध के लिए देवताओं ने हो या राक्षसों ने देवी का ही आह्वान किया, देवी की स्तुति की। पर क्या कारण है कि आज हम महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के बहुत डरी सहमी दबी हुई कहीं ना कहीं पर हैं? भले हम अपने आप को शो ऑफ करने में कमी नहीं करते,
लेकिन जब किसी पर मुसीबत आती है तो उस समय हम बिल्कुल किसी के पीछे छुपने की आड़ की एक टेंडेंसी बनी हुई है और वहीं हमारी कमज़ोरी हो जाती है और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा बाद में सभी तरफ से उठाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया क्या? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको शेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं इस चीज़ को और शेयर कर सकती हूँ कि मैंने जो अपना रिसर्च टॉपिक रखा था वो शायद कानून में बदलाव लाने के लिए जो मैंने सुझाव दिए थे उस चीज़ पर मैं अभी तक के आगे नहीं बढ़ पाई थी। आज इंडिया टुडे के इस मंच पर मुझे ये फिर से इंस्पिरेशन मिली है कि मैं उस रिसर्च टॉपिक को फिर से आगे लेकर के आऊं ताकि उसका जो फ़ायदा है वो हमारे समाज में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, मेरी बातों को आप सब बहनों ने भाइयों ने बड़े प्यार से सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैम आप अभी बैठिएगा, एक आध सवाल आपसे बनते हैं। धन्यवाद मैडम नायक। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी महिला सम्मिट की, क्योंकि जिस बहस को हम अभी तक महिला अधिकारों की बहस के तौर पर लेते रहे हैं उसमें लॉयर होने के नाते, एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते, मैडम नायक ने एक नया एस्पेक्ट जोड़ा है कि महिला अधिकारों की पूरी बहस अंततः महिलाओं पर ही किस तरह भारी पड़ती है, है? और ये चर्चाएँ धीमे धीमे जगह जगह शुरू हो चुकी हैं। हमारे पास समय नहीं है लेकिन हम फिर भी मैडम नायक से एक दो सवाल ज़रूर करेंगे, और एक दो सवाल अगर आप लोग करना चाहें क्योंकि वो उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, उनका शोध है, उनका रिसर्च है, तो शायद वो बेहतर ढंग से समझ सकेंगी। फिर ये महिला अधिकारिता की आपका एक्सपीरियंस जो बताता है कि आमतौर पर महिलाएँ दोनों तरफ से नुकसान में रहती हैं, हैं, वो उपेक्षित भी होती हैं, सताई भी जाती हैं, शोषित भी होती हैं, और उनके माध्यम से उनको सामने रखकर लड़ाई भी लड़ी जाती है जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है, है? तो ऐसी कौन सी कानूनी बदलाव हो सकते हैं जहां हम वो सही संतुलन स्थापित कर सकें, जहां महिला का को परिवार में, समाज में उसके सही ढंग से हक भी मिल सकें और उस हक की लड़ाई में वो खुद ही ना ख़त्म हो जाए, ये भी सुनिश्चित हो जाए। देखिए, इसमें अधिकार और कानून तो बहुत हैं, सवाल अधिकार और कानून की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमारा जो सोशल फिनोमेना है, हमारे आसपास का जो सामाजिक परिवेश है और समाज की जो सोच है, समाज की जो मानसिकता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। हम केवल दिखावटी बातें करते हैं कि एक बच्चे फ्री होकर के चले, क्या आज कानून नहीं है? परंतु उसके बाद आज 3 साल या 1 साल या 6 महीने की बच्चे के साथ यदि रेप हो रहा है तो वो बच्चे क्या करेंगे, उसके परिवार वाले क्या करेंगे? कानून महिलाओं से संबंधित एक नहीं हजारों हैं और हर दिन उसमें संशोधन हो रहे हैं। सवाल ये है कि हमको अपने समाज की परिवेश, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सोच में एक परिवर्तन लाने की हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। जब तक हम बेटा बेटी एक समान जरूर कहते हैं, परंतु यहाँ बैठी हुई किसी भी बहन से आप पूछ लीजिए कि वो यदि अपने बच्चे को, पढ़ी लिखी महिलाओं की तो मैं नहीं बात करती, परंतु पीछे जो हमारी बहनें हैं जो लोअर स्टेटस से आ रही हैं, वो आज भी यदि एक घर में एक ही उम्र के एक लड़की होगी और एक लड़का होगा तो वो लड़की को किचन के काम में हेल्प के लिए जरूर ट्रेन करेंगी, पर लड़के को ट्रेन नहीं करते। तो लड़के को ट्रेन नहीं करते मतलब हम उसको एक अपर स्टेटस देते हैं कि तेरा काम सिर्फ ये, वो देखता है घर में कि उसका पिता कैसे शराब पी के माँ को पीटता है, बहन को गाली देता है, उसके बाद भी माँ और बहन उस पति को और उस पिता को थाली परोसने के लिए कैसे आगे रहती हैं और कैसे उसकी लात मार खा करके भी उसको ओबे करती हैं। ये चीज़ यदि वो बच्चा देख रहा है तो बड़ा होकर के यही संस्कार लेके पैदा होगा और वो वही संस्कार अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ फिर से उसकी पुनरावृत्ति करेगा। तो सवाल यहाँ पर है कि कानून से नहीं, हमको अपने सामाजिक परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप लोगों में से किसी को मैडम नायक से अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो हाथ उठा दें और हम अपनी इवेंट टीम से कहेंगे वहाँ तक माइक पहुँचाएं। एक दिलचस्प चीज़ इसमें समझ में आती है मैडम कि हमने ये देखा लगातार
कि जो दुनिया दुनिया के कई सारे देशों के एक्सपीरियंस हमारे पास हैं कि महिलाओं को जब शक्ति मिलती है तो वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संतुलित ढंग से उसका इस्तेमाल करती हैं है, है, ये स्वाभाविक परिस्थिति. अगर महिलाओं को शक्ति दी जाए, उन्हें ताकत दी जाए, उन्हें क्षमता दी जाए, तो वो पुरुषों की तुलना में संतुलित ढंग से इस्तेमाल करती. आपको इसीलिए सारे तानाशाह पुरुष मिलेंगे घरों में, भले ही कोई दूसरी परिस्थिति हो. तो लेकिन अब यहाँ दुविधा ये है कि अगर आप महिला को उस अपमान से जिसका आपने जिक्र किया, उस उपेक्षा से लड़ने की शक्ति नहीं देंगे तो वो आगे आ नहीं पाएगी. और अगर हम उसको शक्ति देंगे और उस शक्ति को बाद में पीछे बैठा हुआ पुरुष पंचायत में अपनी प्रतिनिधि के सहारे चलाने लगेगा तो उसे कैसे रोका जा सके. ये गहरी दुविधा है. और जैसे जैसे राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी, उनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वहाँ परोक्ष रूप से हमको उन्हीं उन परिवारों के पुरुषों का प्रभुत्व भी उतना ही बढ़ता दिखाई देता है महिलाओं के साथ. इसे कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि आप दोनों हिस्सों के बीच से आती हैं, आप कानून से भी आती हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो राजनीति से भी आती हैं. इसके सवाल का जवाब देने में 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लूंगी. थोड़ा संक्षेप में दीजिएगा एक प्रश्न आपके लिए. नहीं, इसमें इसलिए कि इसके पहले मेरे को एक जो चीज बतानी थी, मैं अमेरिका गई हुई थी IVLP प्रोग्राम में, 22 दिन रही वहाँ पे 84 कंट्रीज की महिलाओं के साथ. वहाँ जाकर के मैंने जब पूछा उन लोगों से कि आप कहते हैं, मैं क्योंकि मैं तो इस आरक्षण की वजह से मेयर बनी थी, आपके यहाँ आरक्षण क्यों नहीं है, या आपके यहाँ महिला प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनी अब तक के अमेरिका में, ये 2013 के सवाल था. तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अजीब सी लगी कि अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट के लिए आ रही थी तो उनको 2 चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया. मैं इस चीज़ को हर जगह बताती हूँ कि हम भारतीय बहुत अच्छे हैं उनके कंपेरेटिवली अमेरिका वालों से. वो ये कि इसका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है और इसका हेयर कट अच्छा नहीं है. इस 2 पॉइंट पर हिलरी क्लिंटन पहली बार प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाई थी. आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसा होगा, नहीं होता. हमारे यहाँ होता है तो लोग कहते हैं कि भाई सरपंच पति, जनपद पति, जिला पंचायत पति या विधायक पति, सांसद पति. पर उसके बावजूद भी आज जो महिला प्रतिनिधि आ रही है, थैंक यू मैं राजीव गांधी जी को दिल से कहती हूँ जिन्होंने 73वां 74वां संविधान संशोधन दिया और आज हमारे विलेज अर्बन एरिया से 50% से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं. इसमें अर्बन में हमारी 33% महिलाएं आ रही हैं. और ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर रही हैं, वो कानून तो जान रही हैं, उनके पति उनको सपोर्ट करे या ना करे या जिस भी तरीके से, पर नाम तो महिला का है. और आज नहीं तो आने वाले 10 सालों में ये स्थिति बदल रही है. और यदि 33% का जो रेगुलेशन है पास हो गया तो आने वाले दिनों में विधानसभा और असेंबली में भी 33% महिलाएं आएंगी तो निश्चित एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा. एक सवाल हम ले लेते हैं उधर से और उसके बाद इस सत्र को समाप्त करते हैं, अगले सत्र पर चलेंगे. जी, आप अपना परिचय भी दें. जी, मैं विजय मिश्रा, एडिशनल जनरल मैनेजर छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी. आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, मुझे अवसर दिया. मैडम जी, आपने कहा नारी नारी की शत्रु होती है. मैं पैदा हुआ हूँ तब से इसे पढ़ते और सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मैंने अब परिवर्तन देखा है. आपके सामने कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कुछ, आप ये ना सोचिए कि एक पुरुष हूँ इसलिए बात कह रहा हूँ. नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा आपने सवाल किया. मुझे लग रहा है अब बहुत ज़्यादा कदम से कदम मिलाकर महिलाएं साथ चल रही हैं. आज का ये साक्षी है, ये कार्यक्रम ये उन्हीं के लिए है और वो इतनी सारी हैं. तो दूसरा मैं ये कहूँगा, छत्तीसगढ़ को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ने राजधानी रायपुर का मेयर होने का गौरव आपको प्राप्त हुआ. भला ऐसी स्थिति में जितनी भी आप बातें कह रही थीं, महिलाएं मुझे नहीं लगता अब हम कहें कि वो पीछे हैं. नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं, मैं अपनी प्लीज आप मतलब इससे सहमत होंगी कि वास्तव में मैं तो देख रहा हूं. आपने भी अभी कहा कि अर्बन एरिया से रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, उल्टा अब हमें सरपंच पति कहलाना पड़ रहा है. सरपंच नहीं. ये अच्छी बात है. सही बात है. चेयरमैन सर हमारे थे शिवराज सिंह साहब. महिला मंडल का फंक्शन हुआ तो वो उन्होंने इसी बात को कहा था कि अब हमको पति कहलाना पड़ता है, तो मैं भी महिला मंडल अध्यक्षा का पति कहला रहा हूँ. बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको इस नए नाम के लिए.
तो मैडम आप मेरी बातों से शायद सहमत होंगी। सवाल पूछ रहा हूँ बड़ी कि आप एज अ मेयर पुरुष प्रधान समाज में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आपको? मुझे थैंक यू मिश्रा जी, और बहुत अच्छा लगा कि इस बीच में सवाल आपने किया है। जो आपने सवाल के परिप्रेक्ष्य में कहा था वो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक मैसेज देना था कि हमारे एक जेन्युइन गुण है ना, चारी चुगली। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इंटरेस्ट लेते हैं या सुनते हैं या कोई बोल रहा है तो इंटरफेयर नहीं करते, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है महिला महिला की दुश्मन वाले में। अब आपने जो कहा कि मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, देखिए चैलेंजेस तो पूरा रायपुर क्या पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि मैंने कितने चैलेंजेस फेस किए। जितने भी प्रोजेक्ट बनाने में राज्य सरकार से ही मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे अपोजिट सरकार होने की वजह से, और चूँकि पेशे से वकील थी तो मुझे वो चैलेंजेस इसलिए नहीं लगे। लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे कर पाए, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हम लोग लिखा पढ़ी में बहुत मास्टर होते हैं वकील। दूसरी, हमारे पास केस या तो पुलिस प्रशासन की तरफ से आता है, सरकार की तरफ से, या अभियुक्त की तरफ से। यदि सिविल मामला है तो वादी की तरफ से या प्रतिवादी की तरफ से। हम वकील दोनों तरफ से अपना केस लड़ने में मास्टर होते हैं। यदि हमें कहा जाए कि इसको हाँ कहना है तो हम उसको हाँ साबित करने में जान लगा देते हैं, और ना कहना हो तो ना कहने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो वकालत का एक्सपर्टीज था वो मेरे लिए बहुत काम आया और बहुत पॉजिटिव रही मैं, और मेरी नोट शीट्स लिखना का जो स्किल है वो मुझे बहुत हेल्प किया, जिसके कारण राज्य सरकार को भी कई बार दिक्कतें आती थी कि ये जो लिख रही है इसका मैं रिप्लाई देंगे तो हम फंसेंगे और नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, पर मेरा स्ट्रगल दिखता था कि मैं जो चाहती थी वो मैं रायपुर के लिए कर नहीं पाई कई बड़े मामलों में, और आज भी उस कमी को फेस करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में मैं उसको ज़्यादा एफिशिएंटली करवा सकती हूँ बिना मेयर रहे भी। सब लोगों ने इतना प्यार और भरोसा दिया है कि मैं किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी काम को कहीं से भी कराने के लिए सक्षम हूँ अभी। तो ये मेरे साथ सब विमेन पावर जो है वो मेरी इंटरनल पावर है, उसके लिए मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम नायक। महिला दिवस पर एक सवाल महिलाओं की तरफ से ज़रूर होगा, इसलिए जी आप अपनी टाइम लिमिट देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा संक्षेप में जवाब देंगे तो। हेलो, मैं रीना राजपाल। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में। मायके में तो हम लोग अच्छे संस्कार दे लेते हैं और वो संस्कार ससुराल में नहीं चलते, तो वो हमेशा दबाया ही जाता है, ये देखा जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैम, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये हर फील्ड पर मैंने लिखा है और हर फील्ड पर मैंने रिसर्च किया है, उसकी बहुत बड़ी जो वजह है, आज के ज़माने में हम लोगों के बीच में पेशेंस नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। हम अपने बच्चों को सब चीज़ सिखाते हैं पर धीरज रखना नहीं सिखाते हैं, और दूसरा आज के ज़माने में जो हमारा एटमॉस्फेयर आसपास का, चाहे फिल्म का या किसी भी चीज़ का, हर एक व्यक्ति बहुत जल्दी में है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो एक पेड़ को यदि हम उखाड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसको भी जमने में समय लगता है, तो वो जो हमारे बीच का एक जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस पीरियड के लिए मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा धीरज रखने की एक सलाह देनी चाहिए, और अपने आप को जो दबाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी विल पावर कमज़ोर होती है, और विल पावर कमज़ोर होने की वजह बहुत सारी भी हो सकती है, या तो हमने बचपन से विल पावर नहीं स्ट्रांग था, या फिर हम डरते हैं किसी, बाय नेचर हमारे अंदर यदि डर है तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए प्रयास तो हर महिला को खुद करने की आवश्यकता है, कि जो दबा रहे हैं तो आपको दबने की आवश्यकता नहीं। यदि आप गलत करते हो तो आप डरो या दबो, जब तक आप गलत नहीं करती, आप सही हो अपने पॉइंट पर, आप स्टैंड ले सकती हो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम नायक। धन्यवाद। इंडिया टुडे समिट में हमारा प्रयास ये रहता है कि हम
उन चीज़ों को लेकर आपके सामने आएँ जो जो महिलाएं वास्तव में लीडर हैं, जैसे कि अंग्रेजी की एक कहावत है, हीरो हैज़ 1000 फेसेस, सो हीरोइंस आल्सो हैव 1000 फेसेस, सो यू विल हैव दोस 1000 फेसेस हियर, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगी, और एक हीरोइन, एक नेता, एक नेतृत्व शिखर हमारे सामने मैडम लाइक थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टुडे के इस कार्यक्रम में आने के लिए।